खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में टॉप पर हरियाणा, प्रदेश ने अभी तक जीते 49 मेडल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छाए हरियाणा के पहलवान, कुश्ती में दूसरे दिन हरियाणा को मिले 10 स्वर्ण समेत 31 मेडल, छोरियां भी छोरों से पीछे नहीं। कानपुर में हिंसा भड़काने वाले 40 संदिग्धों को पुलिस ने किया बेनकाब, तस्वीर जारी कर लोगों से मांगी सार्वजनिक जानकारी। सिद्धू मूसेवाला के घर सियासी जमघट, मानसा के मूसेवाला गांव पहुंचे राहुल गांधी, सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से की मुलाकात। मूसेवाला मर्डर केस में जांच तेज, लॉरेंस गैंग से जुड़े 8 शार्प शूटर्स की हुई पहचान, शूटर्स को गाड़ी मुहैया करवाने वाला केकड़ा नाम का शख्स भी गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार सिरसा के गांव कालावाली से जुड़े कालावाली निवासी संदीप उर्फ केकड़ा पर मूसेवाला की रेखी करने और हत्यारों तक खबर पहुंचाने का आरोप। जम्मू कश्मीर में आतंक पर करारा प्रहार, कुपवाड़ा में 2 और सोपोर में लश्कर का 1 आतंकवादी ढेर, मारे गए 3 आतंकियों में 2 पाकिस्तानी। जम्मू कश्मीर में नाकाम हुई बड़ी आतंकी साजिश, बीएसएफ ने सीमावर्ती इलाके में ड्रोन गतिविधि देख दागी गोलियां, मौके पर इस्तेमाल किया गया एंटी ड्रोन एसओपी। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी यात्रा का हुआ शुभारंभ, संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर जत्था किया रवाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का किया उद्घाटन, आदिवासी विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान होगा एनटीआरआई। सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे का आज दूसरा दिन, भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थली मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के किए दर्शन। त्रिपुरा में आगामी उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कसी कमर, बरदोवली क्षेत्र में घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार, लोगों से साझा किए सरकारी योजनाओं के लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ती नजर आ रही हैं मुश्किलें। पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर गिरी गाज, विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार को लेकर की कार्रवाई, टीम ने धर्मसोत को गिरफ्तार कर शुरू की आगामी कार्रवाई। सपा के विधान परिषद के लिए तय किया गया स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम, आज एमएलसी के लिए नामांकन भरेंगे मौर्य, वहीं करहल से पूर्व विधायक सोबरन सिंह होंगे सपा के दूसरे उम्मीदवार। लखनऊ और उन्नाव में आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, व्हाट्सएप संदेश के जरिए आरएसएस कार्यालयों पर आतंकी हमला करने की धमकी। दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट परिसर स्थित बैंक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से बैंक के करेंसी चेस्ट में लगी आग, आग पर पाया गया काबू। राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे, क्रॉस वोटिंग के डर से प्रदेश के 28 विधायक रिजॉर्ट में की गई है बाड़ेबंदी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान, का हमारे साथ हैं सभी 31 विधायक, सभी विधायकों का है पूरा समर्थन। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा में बनने वाली 2 मुख्य सड़कों का किया शुभारंभ, संजय कॉलोनी और बापू नगर में करीब 51 लाख की लागत से बन रही 2 सड़कें। जनता टीवी की खबर का हुआ बड़ा असर, रेवाड़ी में गाली गलौज करने वाले पार्षद दिलीप माटा के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। बल्लभगढ़ बस डिपो से ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए बसों का संचालन शुरू, गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए बढ़ाई गई बसों की संख्या। भिवानी में महिला एवं बाल विकास विभाग ने बेटियों को सम्मान दिलवाने के लिए कार्यक्रम किया शुरू, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर चलाया हमारी बेटी हमारी पहचान कार्यक्रम। हिसार में सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, किसानों और युवाओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ जाहिर किया रोष। फरीदाबाद के नीमका जेल में बंद महिला कैदी ने अज्ञात कारणों के चलते जेल के अंदर लगाई फांसी, पुलिस ने शव को बरामद कर शुरू की मामले की तफ्तीश।